हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो क्रोशेट लेस लाए हैं बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने एक फाउंडेशन स्टिच बना ली है और फिर इसे किसी भी जगह पर सिंगल क्रोशेट की मदद से जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं। फिर दो चेन लेंगे, एक दो, थोड़ी दूरी पर फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाते हैं। फिर दो चेन लेंगे, एक दो, और थोड़ी दूरी पर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर दो चेन, फिर थोड़ी दूरी पर सिंगल क्रोशेट। इस तरह से दो दो चेन के अंतर पर हमने चार बार सिंगल क्रोशेट बना लिया है। एक दो तीन चार, चार बार ये बना लिए हमने। उसके बाद हम फाइव चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव चेन लेने के बाद इसे पलटेंगे और जो ये सेकेंड वाला होल है इसमें एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। फिर से हम पलटेंगे और जो थर्ड होल है, तीसरा होल यानी पहला वाला यहाँ, इसमें अपनी क्रोशिया डालेंगे और एक फंदा जो हमने छोड़ दिया उसको खींच लेंगे इस तरह से। फिर इसे एक बार ऐसे ही बिन देंगे ये। अब हमें क्या करना है, जो हमारी फाइव चेन वाला होल बन गया है इसमें हमें तीन बार डबल क्रोशेट बनाना है। एक दो तीन, तीन डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक चेन बनानी है। एक ये चेन बना ली और उसके बाद हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर एक चेन बना लेंगे और फिर यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशेट बनाना है। एक दो और ये तीन। अभी हमारे को फिर से तीन चेन बनानी, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पर ऊपर पाइकॉट स्लिप नॉट की मदद से बनाएंगे। फिर से हम बनाएंगे तीन बार डबल क्रोशेट, एक दो और ये लास्ट का तीन। एक चेन लेंगे, एक चेन और गोले में ही एक सिंगल क्रोशेट, फिर एक चेन और फर्दर लास्ट में हम यहाँ पे फिर से तीन बार डबल क्रोशेट बना लेंगे इसी रिंग में। एक दो और ये तीन। इस तरह से हमारा एक नमूना पूरा हो गया। ये देखिए, अब इससे जुड़ा हुआ ये देखिए, तीन तीन तीन, हर जगह तीन तीन का वो है और भी ऊपर पाइकॉट है। अब थोड़ी दूरी पर फिर से एक सिंगल क्रोशेट हम ले लेंगे। ये पहला सिंगल क्रोशेट हम गिनेंगे, ये फिर दो बार चेन लेंगे, एक दो, ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशेट है। फिर दो चेन, तीसरा सिंगल क्रोशेट, फिर दो चेन और ये लास्ट का चौथा सिंगल क्रोशेट। एक नमूने के लिए फोर टाइम्स इस तरह से बना लेते हैं। फिर हम फाइव चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, पलटेंगे, दूसरे होल में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फंदे को छोड़ के तीसरे होल से जोड़ लेंगे और फिर तीन बार डबल क्रोशेट बनाएंगे फाइव चेन वाले स्पेस में। फिर एक चेन लेके जोड़ लेंगे और वही क्रम अपनाएंगे जैसे हमने पहली बार में अपनाया था। इसी तरह जितना बड़ा हमें चाहिए उतना बड़ा हम बना लेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सी लेस है और हर जगह पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आप हमारे इसी तरह के अपडेट्स जान पाएँ। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे कैसा लगता है। बस ये याद करना है कि चार सिंगल क्रोशेट का ग्रुप बनाना है और फिर तीन तीन डबल क्रोशेट के ग्रुप बनाने हैं। तो इसी तरह से ये देखिए, अगले के लिए भी तैयारी चार कर दी हमने। ये है फाइनल लुक। ये बहुत ही खूबसूरत सी लेस बन के रेडी होती है। आप कहीं भी इसे बना सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।